विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मैदान संभाल लिया है। वो छिंदवाड़ा के अपने सियासी किले को मजबूती देने में भी जुटे हुए हैं। इसी बीच उनके छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रामानंद सागर के टेलीविजन शो रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल शर्मा ने आज छिंदवाड़ा जिले के सिमरिया स्थित हनुमान जी के मंदिर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले के साथ आकर बेहद खुश हूँ। देखिए, मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ। जिस तरह से धर्म का अपमान हो रहा है, भले आदि पुरुष फिल्म हो, महाकाल लोक हो, माँ नर्मदा हो, और कमलनाथ जी धर्म के साथ है, सत्य के साथ है, और इस धर्म युद्ध में और न्याय के युद्ध में मैं क्या संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के साथ। देखिए, जो धर्म के साथ है, जो न्याय के साथ है, जो जनता के साथ है, जो जनता के सुख दुख का साथी, मैं उनके साथ। क्या बूंदी से चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? देखिए, आज तो मैं सिर्फ सिपाही बना हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। विक्रम मस्ताल शर्मा के कांग्रेस में शामिल होने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि सच्चाई का साथ देने के लिए वे कांग्रेस के साथ आए हैं, क्योंकि आस्था प्रचार का विषय नहीं होता। मैं विक्रम भाई का स्वागत करता हूं। उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, और इस पवित्र स्थान हनुमान मंदिर के आंगन में आकर उन्होंने सच्चाई की बात करी। आज सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी बहुत धर्म की बात करते हैं। धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, विषय है, ये राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। और मैं हनुमान भक्त हूं, पर मैंने मन से कभी नहीं कहा कि मैं हनुमान भक्त हूं। जब ये मंदिर बना, मैंने इसका कोई प्रचार नहीं किया, मैंने ये मंदिर अपनी भावनाओं से छिंदवाड़ा की जनता के लिए बनाया। ये मेरा लक्ष्य था कि सब कुछ कर रहे हैं, मुझे एक दिन लगा मैंने एक मंदिर नहीं बनाया। तो मैं शासकीय जमीन ले सकता था, पर शासकीय जमीन हमने नहीं ली, हमने निजी जमीन ली और इसका निर्माण हुआ। आप सब बैठे हैं, आप गवाह हैं। हमारा छिंदवाड़ा 40 साल पहले क्या था? कितने गांव में बिजली थी, कितनी सड़कें थी, कितने स्कूल थे, कैसे लोग तड़पते थे एक मिडिल स्कूल के लिए। 40-40 किलोमीटर चलना पड़ता था, वो भी एक छिंदवाड़ा था जहाँ छिंदवाड़ा के लोगों ने कभी पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी, बड़ी रेल लाइन नहीं देखी थी। सही बात है ना? यहाँ कोई उद्योग नहीं थे। मुझे याद है यही मोखेड़ क्षेत्र में क्या सिंचाई थी, कोई सिंचाई सुविधा नहीं थी। वहीं अब माना जा रहा है कि विक्रम मस्ताल शर्मा को बुधनी से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, हालांकि फिलहाल में उन्होंने इस कयास पर विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, छिंदवाड़ा।